अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक मजेदार सी रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने बनाया बड़े मजेदार सा टेम्पटिंग सा अफगानी कीमा, जिसको बनाना नहायत ही आसान है, झटपट से आप अपने किचन में इसको बना सकते हैं। किस तरह से बनाया गया, चलिए किचन क्लोजर में वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज रेसिपी जो बना रहे हैं बड़ी मजेदार सी रेसिपी अफगानी कीमा। सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर हमने डाल देना 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल देने के बाद एक बड़ी सी साइज की प्याज ली थी, 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, इसको हमने हल्का सा सौते कर लेना। प्याज और हरी मिर्ची हमारी सौते हो गई हैं, देखें सॉफ्ट हो गई। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है इस टाइम पे। ये देखिए 1/4 कप मैंने मिल्क लिया था, उसके अंदर 15 से 20 अदद बादाम लिए थे, वो भिगो दिए थे कोई 4 से 5 घंटे के लिए। अब जो हमने प्याज और हरी मिर्ची सौते की थी, वो सारा का सारा बैटर ये सब इसमें डाल देंगे। इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपसे चले। अब उसी पैन में मैंने 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया दोबारा से, और कीमा मैंने चिकन का लिया था, आप चाहे तो मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। 1/2 kg कीमा लिया। ये देखिए कीमा हमारा फ्राई हो गया। अब इसको हम दोबारा एक प्लेट में निकाल लें। चले ही देखे कीमा फ्राई हो गया बिल्कुल, हमारा पानी खत्म हो गया। अब ये एक प्लेट में निकाल। अब उसी पैन में हमने डाल दिए 7 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल दोबारा से, और 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाल देंगे। जब तेल और बटर हमारा गर्म हो जाएगा तो 2 अदद बे लीव्स लिए थे वो डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया था वो डाल देंगे। साबुत काली मिर्चें और बादियान का फूल और 2 लौंगे ये डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। जब गरम मसाला आपका कड़कड़ा जाए तो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ साथ जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था प्याज और बादाम वगैरह का, वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर दही का ऐड कर देंगे। मसाले डालेंगे बहुत सिंपल से, आपके घर में मौजूद है, नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, सफेद मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून ही इसके अंदर जीरा डाल देंगे पिसा हुआ। ये सारे मसाले डाल के इसको हमने अच्छे से भून लेना। देखिए मसाला हमारा जबरदस्त सा भुन चुका है, जितना भी तेल था वो सब ऊपर आ गया। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे और 2 साबुत वाली लाल मिर्च वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ अब जो कीमा हमने फ्राई करके निकाला हुआ था वो सारा का सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको लो हीट पे रख देंगे दम पर कि कीमा हमारा अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट लगेंगे, कीमा हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए जबरदस्त सा कीमा हमारा केक, देखें कितना मजेदार सा टेम्पटिंग सा लग रहा है, तैयार हो चुका है। अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून क्रीम का लेंगे वो डाल देंगे। क्रीम अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका जायका और फ्लेवर और मजेदार सा हो जाएगा। ये देखिए अब इसको हमने हल्का सा बस भून लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए। चले अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे इस टाइम पे, और इसको जल्दी से सर्व करते हैं। इतनी शानदार और लाजवाब से खुशबू आ रही है कि बस दिल कर रहा है रोटियां लो और इसको खाना स्टार्ट कर दो।
चलें अब इसे जल्दी से हम सर्व। इसके ऊपर हमने जूलियन कटी हुई अदरक डाल देनी है और इसके साथ साथ दो अदद लेमन मैंने इस तरह करके काट के रखे थे, ये भी डाल देंगे। ये देखिए मजेदार सा हमारा अगवानी कीमा खाने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।